पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझ। ओ काका, आपने टेंट लाओ गई थे? यही पटक देंगी तो निकल मार। तो हेलो जी, हेलो, हमारे 97 ब्लॉग में आपका बहुत दिल से स्वागत है। सरोर अजमाने ब्लॉग्स मंडळात आपला स्वागत है। तो भैया, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा तमिल पिक्चर जैसा गाड़ी भगा भगा के किसको मारने जा रहा है, राइट? ऐसा ही लगा ना। तो नहीं, मारने किसी को नहीं जा रहे, हम तो जा रहे कैंपिंग करने। सो राम राम मंडळी, कैसे आज से मजे इतना। आई एम सरोर अजमाने एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो पिछले वाले ब्लॉग में हमने देखा होगा कि मैंने टेंट लिया था पुणे से, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैरूलिंग पे। सो मैं पकाना बंद करता हूँ, आप व्लॉग देखिए ईयरफोन्स लगा के, और ज़्यादा अमीर चाहिए तो एयरपोड्स भी लगा ही सकते हो। तो गाइज, हम लोग अभी मैरूलिंग पे पहुँच गए, अभी अंधेरा हो चुका है। एंड आई नो इट इज़ वेरी बैड आइडिया टू कम हियर एट दिस टाइम, क्योंकि अंधेरा एंड ऊपर हमें ट्रैक करके जाना है। एक्चुअली दिन में फटती है, वो हमें नाइट में करना है। एंड घर वाले ये व्लॉग देखेंगे तो बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। सो कोई बात नहीं, हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। ये मेरे साथ देखो, ये दो कुर्सियाँ है, ये शतरंज, ये बैग्स, ये टेंट। तो पहली बार टेंट लिया है तो ऊपर जा रहे हैं। एंड मतलब कोई बात, जो हम सफ़र होते हैं वो उन पर हम अपना ट्रस्ट हो तो कुछ भी हम कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ सीन है। सो अभी हम इधर टेंट ऊपर जाके लगाएंगे। सो ऊपर जाके सीधा मिलते हैं, क्योंकि अंधेरा एंड गोप्रो का जो परफॉर्मेंस है बहुत लो लाइट में ख़राब है। सो ऊपर जाने देंगे कि नहीं पता नहीं, ये लोकल लोग, बट जो अगर हमें रुका तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास टेलीस्कोप है एंड हम लोग चांद देखने आए हैं, ऐसा कुछ तो बताऊंगा। विल सी, ऊपर जाके मिलते हैं सीधा। सो हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे एंड जगह ढूंढ रहे। ओ काका, आपने टेंट लाओ गई थे? यही पटक निकल। ये डालेगा ब्लॉग में बीप करके। सो एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे सब रॉक है, एंड रॉक पे अगर सोएंगे तो पीठ की हमारी वाट लग जाएगी, इसलिए यहाँ पे नहीं सो सकते। पीठ दर्द के लिए ये भरोसा करती है मूव पे, मूव आ से आहा तक। सो हमने एक्चुअली उधर एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ पे हमने स्पॉट ढूंढ के रखा है। मतलब यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है बट नहीं लगा सकते। सो वहाँ पे सातारा दिख रहा है क्या आपको? ये देखो सातारा, या वाओ, ये देखो हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 4। ये देखो हमारे बंदे। तो हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं ये सब जगह, एंड फिर बाद में यहाँ पे टेंट लगाएंगे। मतलब टेंट यहाँ पे लगेगा बट आजू बाजू, मतलब घर के आजू बाजू अच्छा ही होना चाहिए ऑब्वियसली। तो रंगोली पण काढू या, रंगोली भी निकाल। एक काम करूँ, पहिल्यांदा टेंट लावून घेऊ आणि मग उपर बघू। तो हम लोग जहाँ पे रॉक है वहाँ पे ये गौता लगा है, तो यहाँ पे सूखा ग्रास डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मोमो रहेगा, मतलब सॉफ्ट रहेगा मोमो। हम लोग टेंट के नीचे ये डाल रहे हैं जिसकी वजह से टेंट खराब ना हो, क्योंकि नया टेंट है भाई। सो एक दिन मतलब नव्याचे 9 दिवस उबा सांगना है मोने, जैसे ये चद्दर फटी है ना वैसा हमारी लाइफ भी फटी, और इसी चद्दर की जैसे हमारी लाइफ का बक्सा पड़ गया इधर से निकाल के इधर से लाए। तो फाइनली यहाँ पे टेंट लगाया है, एंड ये देखो अंदर से ऐसा सीन है, एंड ऊपर हम बल्ब अटकाएंगे। तर गाइस, आम्ही गेल्या वर्षी हम्पीत गेलेलो, तर आम्ही पण, आमचं पण एक स्वप्न होतं की आम्ही पण स्वतःच्या टेंटमध्ये असं राहावं, एक नाईट स्पेंड करावी, पण आमचा मित्र सौरभमुळे आम्हाला ते शक्य झाले। आवार प्रदर्शन झालंय भाऊ, तुला कसं वाटतंय? एक नंबर झकास वाटतंय। बरोबर, आपण 1 वर्षापूर्वी हम्पीत होतो आणि तुला काय आठवतंय हम्पी बद्दल? काय सीन तू, मला काय, आम्ही हम्पी, अरे तू नॅचरल बोल ना, माझ्यावर जसं बोलतोस तसं कसं बोलू, जसं रेग्युलर आपण बरोबर कॅमेऱ्यासाठी नाही बोलायचं। मग मी विचारतोय तुला भाऊ कसं वाटतंय हे, एक नंबर झकास वाटतंय आपण, अरे मा बोलतोय मला काय बोलू, अरे आपण कॅमेराशी नको बोलूस, तू माझ्याशी बोल, ज्या लेवलमध्ये ज्या शिवेत बोलतोस तसंच बोल। काय भाई, चांगलं वाटतंय इकडं आपण करतोय कॅम्पिंग, असंच पुढे करत राहू असं माझ्यावर कसं। अरे भाई यार, अविस्मरणीय क्षण आहे। अरे तुझ्या। सो गाइस, हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। ये देखो चपाती है, पोटैटो की सब्जी, रेड का लीची उड़ा, वड़ा पाव, दैट्स इट। एंड पानी है, स्प्राइट नहीं है। एंड
सब लोग खा रहे, सीधा मिलते सुबह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरुलिंग। पेटी वाली मॉर्निंग हो चुकी है, हम उठ चुके हैं, मतलब हम सनराइज के पहले उठे हैं। एंड अभी यहाँ पे टेंट लगाया है हमने, एंड मेरे दोस्त लोग फोटो खींच रहे हैं। सो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब चेयर्स भी लाया हूँ दो। सो मैं अपनी कैंपिंग साइट दिखाता हूँ। सो दिस इज़ आवर कैंपिंग साइट, यहाँ पे टेंट लगाया है, यहाँ पे दो चेयर्स है, एंड वो लोग वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। एंड देखो सनराइज अगेन। एंड मतलब यहाँ पे सब मैंने जैसे रात को बताया, तो यहाँ पे रॉक है, सो हमने बीच में लगाया हुआ है घास फूस निकाल के। एंड गाइस मैं इस साइड का भी सीन निकालता हूँ आपको, तो ये देखो नीचे पूरी ग्रीनरी है, और वहाँ पे एग्जैक्टली कनेर डैम है। एंड वो देखो वो पहाड़ दिख रहा है, वो कास है। हो थोड़ा वेळ निघतोय, म्हणजे आता झालंच आहे आमचं, आवरून निघतोय, सनराईज झाला आताच, निघतोय आता। हो सुजितच्या मोठा आणलेलं की। तो गाइस वहां का भी सीन देख लिया, अभी मैंने कॅम्प क्यू लिया बता दू। तो देखो भैया बात ऐसी है कि हमारे ड्रीम्स के आगे कुछ नहीं होता। मतलब मेरा ड्रीम था बहुत दिनों से, मतलब लगभग 3-4 सालों से मैं कैंप लेना चाहता था, मतलब टेंट लेना चाहता था, बट हो नहीं रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी एटीट्यूड रहता है कि मैं लूँगा तो मेरे पैसे से ही लूँगा, या फिर आधे तो मेरे हो, ऐसा एटीट्यूड रहता है। उसे एटीट्यूड की वजह से ये रह गया था। नहीं तो देखो भाई, ज़िद करके लेनी है तो कोई भी चीज़ घर वालों से ली जा सकती है, ना बोले तो भी ली जा सकती है कुछ भी करके, बट ऐसा ही सीन था। एंड मतलब हमारी खुद की एक चीज़ हो जाती है अगर मतलब हम सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं डीकैथलॉन में गया था, एंड मुझे लगा कि सही डिसीजन है, सो ले लिया भाई साहब। सो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि कैंपिंग किया है मैंने इसके पहले। एग्जैक्टली मतलब आज कितनी तारीख है, आज 22 तारीख है, सो एक साल हो गया कम्प्लीटली। इसी दिन पे हम हम्पी में कैंपिंग कर रहे थे, एंड इसी दिन पे यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। एंड खुद का टेंट हो तो और भी अच्छा लगता है, एंड दोस्त तो होते ही है हमेशा मेरे साथ। तो मतलब ये मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, मतलब एक रियलाइज हुआ कि तू मतलब तूने सोचा तो तू कुछ भी कर सकता है। सॉरी भाई साहब, थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है क्योंकि रात में इतनी ठंड, पूरी मारामारी हो रही थी हम तीनों में कम्बल के लिए। तो वही सीन है कि मतलब आपने कुछ सोचा, एंड आप उस चीज़ के लिए कि या फिर उस दिशा में काम करते हैं तो फल मिलता है, लेट मिलता है बट मिलता है यार, सीरियसली। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बस 2000 की चीज़ हो सकती है, या फिर एक कपड़ा ही हो सकता है, बट जो ख्वाब देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ख्वाब देखने चाहिए, बड़े देखने चाहिए, मतलब अपने पॉकेट में पैसे नहीं होते तभी ख्वाब देखे जाते हैं, एंड वही कम्प्लीट करने के लिए जो घिसनी पड़ती है, एंड वो घिसने के बाद जो चीज़ मिलते हैं ना भाई साहब, मैं मतलब सचमुच लफ्जों में नहीं बयां कर सकता। ये चीज़ें छोटी छोटी होती है बट बहुत बड़ी खुशियाँ देती है, एंड खुद पे प्राउड फील कराती है ये मोमेंट। सो मतलब ये बहुत स्पेशल मोमेंट है, एंड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरी पूरी लाइफ तो व्लॉगिंग में रखता ही हूँ। सो दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड जो घर वाले मेरे को मतलब हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी सोचता हूँ, ये भी डिसीजन मैंने लिया ये लेने का, तो घर वालों ने हाँ कर दी, मतलब वो मुझ में बिलीव करते हैं, वो मुझ में ट्रस्ट रखते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सबके घर वाले ऐसे नहीं होते, सबके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। सो मतलब ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बट दिल से थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मतलब हम लोग अभी जाएंगे क्योंकि प्लान है खेत में काम करने का, ऐसे बाबा ने बोला है, बट पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं नीचे जाके, विल सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, शब्बा खैर, पीस आउट, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपने सोचा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ख्वाब देखना बंद मत करो।
माउंटेन्स लिखा दिख रहा है क्या? माउंटेन्स एंड माउंटेन्स में आ चुके हैं हम। बाय बाय, शब खैर। चल रे पैक अप। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कितना पागल है प्यार तुमसे कर। तू जाइ गेट लॉस्ट जशी आला नहीं मिशी पण टाकणार, पण बीप करून टाकणार।